सबसे पहले तो मुझे जो इस टाइम जो पदभार मिला है वो वार्ड नंबर 4 का, ठीक है। वार्ड नंबर 4 से मुझे नॉमिनेट किया गया है, तो मेरे वार्ड में जो कुछ एरिए हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से जोड़े गए हैं, जो कि पहले पंचायत एरिए में पड़ते थे, तो जिसमें कि मेरा जहां मैं मेरा रेजिडेंस है वो भी वार्ड नंबर 4 में अब आया है निगम के टाइम पर। तो हमें मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है, एक तो रोड की, हम बिल्कुल कट हैं रोड से, अगर हमारे यहाँ कोई बीमार पड़ जाता है तो भी हमें एम्बुलेंस रोड नहीं है, और ना ही लाइटों का है, और गलियों का ना ड्रेन सिस्टम है। तो जो हमारे दूसरा एक वार्ड नंबर 2 भी, हमारा जो बेर का वार्ड नंबर 2 था कोनार्क से नीचे का हिस्सा, वो भी इसी में ही आया है, तो वहाँ पर भी मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है। तो मैं ये चाहूँगी कि जैसे ब्रूरी का भी है, हम उन हिस्सों में ज़्यादा जोर डालकर काम करें और प्राथमिकता से उन एरिया को पहले लें, ताकि लोग हमें सोचें कि ये अगर पार्षद चुनकर आए हैं तो हमारा भी कुछ सोचा है, हमें भी मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं। क्योंकि हमें अभी तक हमारा जो पानी के बिल आ रहे हैं वो भी हमें कमर्शियल आ रहे हैं, 3500 और 8000 8-8000 रुपया हमारे लोगों को वहाँ पर बिल आ रहे हैं पानी के। तो जबकि मेरी मेयर साहब से भी बात हुई थी कि अगर हमने वोट डाले हैं निगम में तो हमारे कमर्शियल से हमारा डोमेस्टिक किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक हमें वही पिछले रेट के बिल पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए भी हमारी लड़ाई रहेगी ताकि लोगों को सुविधा मिलती रहे। मेरा नाम संजीव मोहन, वार्ड नंबर 8 से मुझे नॉमिनेट किया गया है, और जिसके लिए मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, और प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी का धन्यवाद करता हूं, और हमारे संगठन के रीढ़ की हड्डी जो हमारे संगठन मंत्री हैं श्री तरुण राणा जी, उनका धन्यवाद करता, और हमारे इसमें जो अर्बन डेवलपमेंट के जो मंत्री हैं श्री सुरेश भारद्वाज जी, उनका भी धन्यवाद करता हूँ, और स्थानीय हमारे मंत्री जो जिला से हैं आदरणीय श्री सहजल जी, उनका धन्यवाद करता हूँ, और डॉक्टर राजीव बिंदल जी का धन्यवाद करता हूँ, और जो भी हमारे प्रदेश के नेतृत्व को देख रहे हैं और हमारे जिला के नेतृत्व को देख रहे हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। जहाँ तक विकास की बात है, तो 8 नंबर में कार्य करते हुए मुझे 25 से 30 साल हो चुके हैं, जो कि हमारे जो भी पार्षद रहे हैं, चाहे हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद रहे हैं जो पहले चुने गए हैं, उनका सहयोग किया है, और अन्यथा भी हम वार्ड के लिए बींगे पार्टी मेंबर काम करता आया हूं, और विकास के लिए ही सारा समय हम देते आए हैं। और अभी आज मेरे पास दायित्व मंडल में सचिव का दायित्व है, जिसके माध्यम से मैं पहले भी इस हर एक चीज़ में शेयर करता रहा हूं, और आने वाले समय में भी वार्ड नंबर 8 की जो मुख्य समस्याएं होंगी उनको उनके हल करने के लिए जिस भी लेवल पे और प्रदेश से जो भी हेल्प चाहिए होगी वो उपलब्ध कराएंगे, और विकास के कामों में अपना पूरा सहयोग देंगे। जी, मुझे वार्ड नंबर 1 से नामित किया गया है, जिसके लिए मैं अपने तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ। इसके अलावा डॉक्टर राजीव सहजल, डॉक्टर राजेश कश्यप, गुलेरिया जी, इन सब का तहे दिल से धन्यवाद है। जहाँ तक बात आती है विकास की, मैं ओवरऑल डेवलपमेंट में बिलीव करती हूँ। मैं वार्ड नंबर 1 में बहुत साल रह चुकी हूँ, मुझे यहाँ की कमियाँ पता है, इन्हीं खामियों को पूरा करते हुए और जो मेरी क्षमताएँ हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए मैं एक ओवरऑल डेवलपमेंट का गोल रखती हूँ। मैं यहाँ पर रह चुकी हूँ तो थोड़ी बहुत कमियाँ जो मैंने ऑब्ज़र्व की हैं, जैसे सड़कें थोड़ी तंग हैं, थोड़ा पेडेस्ट्रियन पाथ लोग चाहते हैं, स्ट्रीट लाइट्स लोग चाहते हैं, यहाँ पर रात को चलना महिलाओं के लिए स्पेशली बहुत मुश्किल है। इसके अलावा पार्किंग की कमी है वार्ड नंबर 1 में। ऐसे छोटी छोटी समस्याएँ हैं, और लोगों से मिलकर और अपने साथ वाले पार्षदों से जुड़कर मैं और इन समस्याओं को समझना चाहूँगी और अपनी क्षमताओं को यूज़ करते हुए इन्हें सॉल्व करना चाहूँ। मैं वार्ड नंबर 12 से नॉमिनेट हुई हूँ एज अ पार्षद। तो मेरे मुझे क्या क्या मिला, मतलब पदभार जो मिला है वो एज अ नॉमिनेट पार्षद के तौर पे है, वो एक पर्टिकुलर एक वार्ड से नहीं होता है, पूरे 17 वार्ड में जो नॉमिनेट पार्षद होता है वो काम कर सकता है। तो मैं प्रदेश सरकार जयराम सर जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने हमें ये इस काबिल समझा।
और मैं अपने वार्ड में जिस तरह से समस्याएं हैं जो मुझे पहले से ही संज्ञान में हैं, जो मेरे काफ़ी रोड्स की प्रॉब्लम्स हैं और लाइट्स की है, पानी की रहती है और ये बेसिक जो छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं, तो मैं उसको पूरी ईमानदारी से उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो प्रायोरिटी पर कौन से काम जो आप करने जा रहे हैं? प्रायोरिटी वर्क्स पे मेरे जो काम रहेंगे वो जो रोड्स जो हमारे वार्ड की डेवलपमेंट्स होती हैं प्रायोरिटी बेसिस पे वही रहेंगे। और जैसे आजकल एक वो भी है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम करना है, नारी शक्ति के लिए जिस तरह से रोज़गार, मतलब एक हम छोटे छोटे चीज़ों को मतलब प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे मैंने हाल ही में अपने काम किए हैं, जैसे न्यूज़पेपर जो आजकल महिलाएं बहुत काम कर रही हैं, जिसपे कि न्यूज़पेपर के छोटे छोटे बैग्स बनाती हैं, उनको सेल आउट करती हैं, जो छोटे छोटे चीज़ें हैं हम उसको लेके काम करेंगे।